The algae are divided into three main classes, chlorophyces, bryophyces and rhodophyces. ठीक है, algae को तीन ग्रुप में बांट दिया गया है, एक और उसके पिगमेंट के बेसिस पे, और फूड कौन सा स्टोर कर रहा है इसके बेसिस पे, और किस तरह का रिप्रोडक्शन कर रहा है इसके बेसिस पे एल्गी का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। हालांकि फ्रिट्ज का क्लासिफिकेशन बहुत फेमस है, ठीक है, वो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है और रिटन क्लासिफिकेशन है, क्लियर। फ्रिट्ज का उसने एल्गी को कितने क्लास में बांट रखा है बताएं, 11 क्लास में बांट रखा है। यहाँ पर हम लोग 3 क्लास ही पढ़ेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। क्लोरोफाइसी फर्स्ट है, ठीक है, क्लोर क्लोर मतलब होता है ग्रीन, और फाइसी प्लांट एल्गी को बता रहा है ये, क्लियर। स्टार्ट करो। क्लोरोफाइसी, The members of chlorophyce are commonly called green algae. ठीक है, जैसा इसका नाम है वैसा ही ये इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, सो इन्हें ग्रीन एल्गी कहा जाता है। आगे बढ़ो। The plant body may be unicellular, colonial or filamentous. ठीक है, इनकी प्लांट बॉडी जो होती है, प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं, थैलस ना, इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो यूनिसेलुलर होती है, अकेले हो सकता है, एक कोशिका से बना हो सकता है, या पूरा कॉलोनी बना के रह सकता है, या ये फिलामेंटस होता है, पतले लंबे धागे की तरह होता है, जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पाइरो वगैरह का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है, हरे रंग का फिलामेंट होता है। आगे। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। बस ठीक है, इनका रंग जो होता है घास की तरह होता है, बिल्कुल हरा, और मुख्य कारण क्या है, तो इनके में क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। आप जितने भी प्लांट किंगडम में जितने भी पौधे देखते हैं जिसका रंग जो है वो हरे रंग का है बिल्कुल, ठीक है, ग्रीन कलर का है, उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है, और इसका जो रेशियो होता है 75:25 के हिसाब से होता है, उसमें क्लोरोफिल ए 75% और क्लोरोफिल बी जो होता है वो 25% होता है, ठीक है, ये हायर प्लांट का ये रेशियो है। आगे। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। हाँ, ये पिगमेंट हैं, ये पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल, ये जो पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्थित होते हैं, क्लोरोफिल के फॉर्म में होते हैं, क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। बड़ी द क्लोरोप्लास्ट मे बी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप इन डिफरेंट स्पीसीज। हाँ, स्पीसीज टू स्पीसीज क्लोरोफिल का जो क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो एल्गी में बदलता जाता है स्पीसीज टू स्पीसीज। ऐसे कुछ स्पीसीज में इसका शेप जो होता है डिस्क की तरह होता है, डिस्कॉइड होता है, या कुछ में प्लेट की तरह होता है, चपटा होता है, कुछ में जाली बनाता है, नेट लाइक होता है, रेटिकुलम लाइक, ठीक है, कुछ में कप शेप होता है जैसे यूरोथ्रिक्स में, कुछ में स्पाइरल होता है, स्पाइरल क्रोमोसोम क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है स्पाइरो वगैरह में, ठीक है, कुछ में रिबन शेप होता है, रिबन शेप भी होता है स्पाइरो वगैरह में, इन डिफरेंट स्पीसीज अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग आकार वाला क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आगे। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनॉइड्स। बस रुक जाओ, बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं क्लोरोफाइसी के जिनके क्लोरोप्लास्ट के ऊपर प्रोटीन का बना हुआ स्पेशल बॉडी पाया जाता है जो रिजर्व फूड को अपने आसपास इकट्ठा करता है। रिजर्व फूड तो ये प्लांट बनाएगा ना, उसको अपने आसपास इकट्ठा करता है, उसे प्रोभूजक कहते हैं, पायरिनॉइड्स बोलते हैं। आगे। पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। ठीक है ना, मतलब प्रोटीन का बना होता है, पायरिनॉइड्स जो होता है उसमें प्रोटीन होता है, स्टार्च नहीं होता। आगे। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, कुछ एल्गी ऐसे हैं जिसमें फूड जो होता है ऑयल ड्रॉपलेट के यूज में, ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, इनकी खेती भी अब की जा रही है, जैसे इंडोनेशिया जैसे देश में इन एल्गीज की खेती की जा रही है और फिर ऑयल को ऑब्टेन किया जा रहा है उनसे। क्लियर, वहाँ छिछला पानी है ना समुद्र में, जगह जगह बहुत से उसके आइलैंड है जो वहाँ छिछला पानी, बहुत कम पानी है, 1 फीट 2 फीट 4 फीट पानी पता लगा कई किलोमीटर तक फैला रहता है। ठीक है, तो वहाँ लोग खेती कर रहे हैं इसका एल्गी का। आगे। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। ठीक है, इस ग्रुप के जो एल्गीज हैं, ग्रीन एल्गीज जो हैं, इनका जो सेल वॉल होता है वो हार्ड होता है। ठीक है, इनका जो सेल वॉल है वो हार्ड है और उसका जो इनर लेयर है, ठीक है, जो भीतर की ओर जो लेयर है जो टुवर्ड साइटोप्लाज्म होगा वो सेलुलोज का बना होता है, और बाहर वाला जो लेयर है वो पैक्टोज का बना होता है, पैक्टिक एसिड का बना होता है। ठीक है, उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ठीक है, इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो तो टूटने की वजह से होता है, प्लांट बॉडी टूटती है। ठीक है, जितने भी टुकड़े बनते हैं वो नए इंडिविजुअल में फिर से डेवलप हो जाते हैं नए थैलस में, या इसके अलावा कई तरह के स्पोर्स भी ये फॉर्म करता है। ठीक है, आगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजेलेट ड्यू स्पोर्स प्रोड्यूस इन जूस्पोरेंजिया। ठीक है, जिस ग्रुप के जो मेंबर हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जूस्पोर के थ्रू होता है। आइडिया आपको जूस्पोर के बारे में, जूस्पोर जो होता है ना
वो मोटाइल होता है, वो फ्लैजलेट होता है, फ्लैजला के हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ठीक है। और ये जो स्पोर जो है वो थैली के अंदर बनता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है एक थैली के अंदर होता है, उस थैली को जो स्पोरेंजिया बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसीडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स, ठीक है, बस वेट करो, ठीक है। इनमें जो होने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमेट्स के बेसिस पे बदल जाता है, ठीक है। गैमेट का शेप कैसा है इस बेसिस बदल जाता है। इसमें जो सेक्स सेल्स हैं वो आइसोगैमस भी हो सकते हैं, एनआइसोगैमस भी हो सकते हैं और ओगैमस भी हो सकते हैं, ठीक है। इस ग्रुप के मेंबर्स जो होते हैं उनमें आइसोगैमी यानी दोनों गैमेट्स सेम अगर होता है और फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम लोग आइसोगैमी बोल देते हैं। ऐसा होता है कि दोनों गैमेट्स एक जैसे नहीं होते, ऐसे वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे एनआइसोगैमी कहते हैं हम लोग। और एक गैमेट जैसे रुका हुआ होता है, ठीक है, स्टेशनरी होता है, दूसरा गैमेट जो होता है मोटाइल होता है, जो स्टेशनरी है वो एक्सेल कहा जाता है और मोटाइल गैमेट्स जब फ्यूज होता है इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम लोग ओगैमी कह देते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है कुछ ग्रीन एल्गी के कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम लोग क्रमशः क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और कारा के नाम से जानते हैं, ठीक है, कर लेंगे हम लोग।